यहाँ से क्यारी गांव स्टार्ट हो गया, इसके पीछे जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा गेट था लकड़ी का। हमारी बाथरूम गेट बंद हो गया, तुम गेट करके बोला ही बता दो। हाय गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैं चेकआउट करके आ गया हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए अभी मैं आया हूँ यहाँ उसी जगह पे जहाँ कल हमने लंच किया था। यह हॉलीडे हाइलाइट्स, और फिलहाल यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे सफारी के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि जो गर्जिया देवी वाला गेट नया खुला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए, वहाँ से कैसा है रास्ता और क्या क्या वहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, कैसा है एडवेंचर उस रास्ते में, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को देखते रहें। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में जो हमारा आया है वो है आलू के पराठे और चाय और साथ में दही। आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सैनिटाइज़र। सो गाइस, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बुकिंग का सीन ऐसे ही लग रहा है, तो अभी मुझे रिसेंटली पता लगा है कि हमारी बुकिंग नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए कैसे भी करके हमने जुगाड़ लगा लगू के सीतामढ़ी वाले गेट से एंट्री के लिए एक पास मिल गया है। तो ये है हमारे संदीप भाई। तो इनसे मैं काफ़ी टाइम पहले यहाँ मिला था, हम लोग यहाँ सफारी करने आए थे। तो हम दो बार आए थे, दोनों बार इन्हीं के साथ करी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, संजीव जी की यहाँ सफारियाँ चलती हैं काफ़ी सारी, तो अगर आप कभी भी आते हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी पहले से प्री बुकिंग करा के सारी व्यवस्था करके सेट कर दे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कोविड के टाइम पर आ रहे हो, जैसे कि मैंने क्या किया था, अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि यार कोविड चल रहा है, खाली होंगी सारी सफारी, आराम से मिल जाएंगी, बट ऐसा नहीं है, पूरा पैक है, पूरा सोल्ड आउट। इवन अभी हमने दो दिन दिन के लिए देखा था, तब उसके लिए भी दो अगले दिन के लिए भी अवेलेबल ही नहीं है। एक हफ्ता पहले अगर पैंतालीस दिन पहले करनी पड़ती है। और अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हो तो कम से कम दो महीने पहले संजीव जी को बता दीजिए कि हम आने वाले हैं, तो ये आपकी बुकिंग करा के रेडी रहेंगे। 30 दिन पहले ही बता देंगे तब भी हो जाएगा। अच्छा, 30 दिन पहले भी आप बता सकते हैं। सो गाइस, गर्जिया देवी टेम्पल के बाद अभी हम जा रहे हैं गर्जिया देवी का जो गेट बना हुआ है नया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए, उसे देखने के लिए। हालांकि अभी वो खुला नहीं है, 1 तारीख से खुलने वाला है, लेकिन अभी हम जाके देख के आते हैं कहाँ पर है, कैसा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा वहाँ पहुँच के। सो गाइस, यही है वो गेट जिसकी हम बात कर रहे थे, और यहीं पर आपका परमिट वगैरह चेक होगा, यहीं से होने लग जाएगी एंट्री। सो गाइस, अभी तो वो जगह काफ़ी खाली खाली सी है जो नया गेट खुला है, बट 1 तारीख के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो काफ़ी आपको भीड़ भड़क वहाँ पर देखने मिलने वाली है, कई दुकानें, कई सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यही है दोस्तों, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं वापस हॉलीडे हाइलाइट्स, वहाँ पे थोड़ा सा काम है वो करते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे जंगल सफारी के लिए सीतामढ़ी। कौन सा गेट है? सीतामढ़ी। सो गाइस, जिम कॉर्बेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। 1936 में हेली नेशनल पार्क करके ये पहले बोला जाता था, और यहाँ पे जो है बंगाल टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए बनाया था नेशनल पार्क। और उसके बाद यहाँ पे जो गांव है, नियरेस्ट आसपास की एरिया है, यहाँ पर कई सारे टाइगर जो है मैन ईटर हो गए थे, और उनको हंट करने के लिए जिम कॉर्बेट, आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होगी उनकी, तो उनको बुलाया गया, उन्होंने सारे जितने भी मैन ईटर टाइगर थे उनको हंट किया, और उसकी वजह से इन यहाँ पे जो गाँव वाले थे उनको थोड़ा रिलीफ हुआ। इस वजह से उनके नाम पे बाद में इस नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है। तो भाई, जितने भी बर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सारे माइग्रेटेड हैं, साइबेरियन हैं सारे, तो वहाँ से उड़ के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे ना ये है ना साइबेरियन बर्ड। सो गाइस, थोड़ा सा सिटी राइड करके हम पहुँच गए टीला गेट में। यहाँ पे आईडी वगैरह चेक होती है, और यहाँ पे परमिट वगैरह भी बनता है, तो यहाँ पे कई सारे लोग भी आ रहे हैं वो चिप्स वगैरह देने के लिए। अगर आपको लेकर आना है तो आप पहले से लेकर आए, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलता है, और प्लस अभी भाई साहब गए हुए हैं हमारा आईडी वगैरह लेके, एक बार वो मिल जाए तो उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे फिर एक और गेट पड़ेगा जिसका नाम है सीतामढ़ी गेट। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है सीतामढ़ी गेट जो हम बता रहे थे पहले, यही है वो मेन सीतामढ़ी गेट। यहाँ पर वो भी चेक होगा ना। सो गाइस, ये हम पहुँच गए हैं सीतामढ़ी गेट, ये है वो गेट जिसकी मैं बात बता रहा था आपको। यहाँ पे परमिट चेक होता है दोबारा, और उसके बाद एंट्री मिलती है, और यहाँ से प्रॉपर ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी तक तो आपको बिल्कुल प्लेन डामर रोड मिलती है, यहाँ से जो है प्रॉपर ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी बता रहे थे भैया कि यहाँ पे 250 से ज़्यादा टाइगर हैं, मतलब बच्चे बच्चे सब मिला के। तो फिलहाल अभी मेन टाइम जो होता है तो अर्ली मॉर्निंग का होता है या फिर शाम का होता है, बिकॉज टाइगर उस टाइम पे ना पानी वानी पीने के लिए आता है। सो लेट्स सी, अगर कुछ दिखता है तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट बफर जोन में मुश्किल ही है, फिर भी बता रहा हूँ। ये जो पेड़ है, पीपल के पेड़ ने दूसरे पेड़ को कैप्चर कर लिया है, उस टाइम बाद इसकी जड़ सुखा के इसको ओवरटेक कर लेगा, ऐसा भैया बता रहे हैं। काफ़ी अलग चीज़ देखने को मिली आज, ये पेड़ को कैसे ओवरटेक कर रहा है।
फाइकस ट्री। फाइकस? हाँ जी, इसे फाइकस ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा सीतामणि मंदिर। सीतामणि ना, सीता बनी। हाँ। सीता बनी। हाँ। इसकी क्या हिस्ट्री भैया मंदिर की? अरे भाई साहब जबरदस्त। तो भाई जो सीता बनी गेट है, इसका गेट का नाम इस मंदिर की वजह से पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे टेम्पल है सीता बनी का, इस टेम्पल की खासियत यह है कि यहाँ पे कहा जाता है कि लवकुश का जन्म जो है यहीं हुआ था, इसलिए इसे सीता बनी टेम्पल बोलते हैं। काफी प्राचीन काल का मंदिर है, तो कई सारे लोग आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं और मंदिर के दर्शन करके जाते हैं। तो गाइस जो आपको पीछे दिख रही है दीमक की बॉम्बी है, जो कि जितनी ऊपर आपको ये दिख रही है उतनी जमीन के अंदर भी होती है। तो इसे जंगल का क्या बोला जाता है, हेल्दी फॉरेस्ट की पहचान है। हेल्दी फॉरेस्ट की पहचान है, माना जाता है कि जहाँ ये बॉम्बी वगैरह बने हुए हैं तो वहाँ का फॉरेस्ट जो है काफी हेल्दी है। फॉरेस्ट है, काफी डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे धूप तो बहुत कम दिखाई पड़ रही है, तो अभी इतनी ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, तो मैं तो ये बोलूंगा जब भी आप आओ तो पूरी प्रॉपर टोपी टापी लेकर आना अपने साथ में, मफलर वगैरह, बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर आप शाम की सफारी कर रहे हो तो सुबह भी होगी शायद ठंड, सुबह ज्यादा ठंड होती है। हाँ सुबह तो ज्यादा ही होगी। तो भाई जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये साल के पेड़ है, इनकी लाइफ जो है 600 साल तक की चल चुकी है, तो इसलिए इनसे फर्नीचर भी बनता है, बट वैसे अवेलेबल नहीं होते हैं। बट अगर इसका फर्नीचर है तो काफी लंबे समय तक बनाया था लाइफ लॉन्ग। क्यों भैया? पहले इसका यूज होता था रेलवे ट्रैक पे किया जाता साल का। हाँ। तो भाई इस जंगल के बारे में भैया ने अभी एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताई है कि इस जंगल में ही काल मूवी जो थी ना, बहुत पुरानी मूवी अजय देवगन वाली, उसकी 70% शूटिंग जो है इसी जंगल में हुई थी और उसके बाकी के आउटर एरिया में। इस तरह हमारी सफारी होती है कंप्लीट। ये पवलगढ़ गेट से हम वापस आए, एग्जिट हुए और हम जो एंट्री करी थी हमने वो सीता बनी वाले गेट से करी थी, और एग्जिट जो करा है पवलगढ़ गेट से करा हुआ है, और ये हमारी सफारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नहीं हुई अभी, यहाँ भैया और अंदर है क्या अभी? अच्छा अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, अभी नहीं, थोड़ा बचा है अभी, थोड़ा और जंगल पेड़ बागान देखना बाकी है। सो गाइस अभी हम जो चल रहे हैं ये दाबका रिवर के ऊपर चल रहे हैं, तो ये मानसून रिवर है, और इसके राइट साइड में अगर आप देखोगे भी थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है यहाँ पे, बहुत कम पानी है, और इसके लेफ्ट साइड में पवलगढ़ गांव पूरा बसा हुआ है। तो इस रिवर में दीपशिका मैडम बता रही है कि यहाँ सनी लियोनी भी आई थी, रिवर में आई थी शूटिंग के लिए। तो यहाँ पे सनी लियोनी ने पता नहीं कौन सी मूवी की शूटिंग करी थी, नहीं पता। अच्छा स्पिट्सविला में। अच्छा आप लोगों को अगर पता है तो यहाँ पे किसी ऐसी मूवी की शूटिंग हुई थी या किसी शो की शूटिंग हुई थी, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। इसकी रियलिटी शो, कोई रियलिटी शो? हाँ स्पिट्स पे लगी, जो MTV में आता है। हाँ यहाँ से क्यारी गांव स्टार्ट हो गया, इसके पीछे जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा गेट था लकड़ी का। भाई बाथरूम गेट बंद हो गया, तुम गेट करके बोला ही बता दो। सो गाइस फिलहाल सफारी पूरी करके हम आ गए हैं अपने होटल में। तो भैया ने हमें सफारी करवाई थी,
भैया क्या नाम आपका? इरफान। इरफान भाई ने करवाई थी, काफ़ी अच्छे से उन्होंने गाइड करा कि कौन कौन से पेड़ हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज बताई, अच्छा लगा। और काफ़ी चीज़ें बताई, कौन सा गांव पड़ रहा है और कौन कौन से यू नो डियर कॉलिंग का मतलब क्या है, और काफ़ी चीज़ें बताई, आपने वीडियो में देखा होगा। और इसी गाड़ी में गए थे हम, मस्त बंजारा ट्रैवलर्स की गाड़ी है, ये भी संजीव भाई की है, संदीप भाई की। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं, थोड़ा अभी यहाँ पे अपना सामान वामान समेट लेते हैं, उसके बाद अभी तो यार मैं हल्द्वानी नहीं जा पाऊँगा बिकॉज अंधेरा हो गया है और मैं स्कूटी में हूँ और जो रोड है वो काफ़ी जंगली जानवर का यहाँ पे बीच में खतरा रहता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज यहीं स्टे कर लूँ, कल अर्ली मॉर्निंग में निकल जाऊँगा हल्द्वानी के लिए। सो गाइस वहाँ से हम सीधे आ गए थे अपने रूम पे, तो ये वही होटल है जहाँ पे हम आते वक्त आए थे ना फर्स्ट टाइम। सो बस अब मैं फ्रेश हो लेता हूँ, उसका डिनर वगैरह करके थोड़ा अपना वीडियो एडिट वगैरह करूँगा और उसके बाद फिर सो जाऊँगा, क्योंकि कल मुझे भगना है हल्द्वानी सुबह जल्दी, क्योंकि कल मेरा है ऑफिस। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और कुछ भी फीडबैक है अच्छा है बुरा सब डाल सकते हो आप कमेंट में भर दो, और इस पूरे सीरीज़ इस ट्रिप से लेके कुछ भी क्वेरी या सजेशंस हैं वो भी मुझे कमेंट करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ, समर्थ भाई और जो उनकी टीम है मीनल मैम और दीपशिका मैम, उन्होंने काफ़ी मदद करी, काफ़ी सपोर्ट किया, तो वो लोग एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ई उत्तराखंड करके इनका पोर्टल है, तो ये लोग जो भी आता है उनको सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रॉपर्टी में रहना है, सफारी बुक करानी है आपको, कोई भी किसी प्रकार की सर्विस हो, काफ़ी अच्छी उनकी पकड़ है यहाँ पे मैंने देखा। तो अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो को कर देते हैं एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। और भाई साहब